नमस्कार। वीडियो नंबर 36, एक्सरसाइज नंबर 6.1, चैप्टर 6, लाइंस एंड एंगल्स। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें अपन को एक डायग्राम दिया हुआ है। एक्स वाई और एम एन दोनों रेखाएं, एक्स वाई एंड एम एन दो रेखाएं एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेदित करती है, मीन्स काटती हैं। ओके, सेकेंड यहाँ पे गिवन है, दिया हुआ है एंगल पी ओ वाई, ये 90 डिग्री का है। सेकेंड दिया हुआ है एम ओ पी, ये एंगल ए, एंगल एक्स ओ एम एंगल बी है, और एंगल एक्स ओ एन वो है सी। ओके, यहाँ पे देखो एक्स वाई और एम एन दोनों एक दूसरे को ऊपर प्रतिच्छेदित करती है, तो ये एंगल सी ये वाला और ये पूरा एंगल, ये दोनों कैसे होंगे, शीर्षाभिमुख कोण, ये एंगल और ये पूरा, इस पूरे एंगल में क्या है, एक तो ए है और प्लस 90 डिग्री, ये तो 90 का दिया हुआ है, प्लस ए, तो ए का मान कितना है, वो 90 में जोड़ेंगे, तो इन दोनों का मान मिला के ये एंगल मिलेगा। इस एंगल के बराबर ये वाला एंगल होगा, मतलब अपन को सी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सी का वैल्यू कैसे मिलेगा, ए का मान चाहिए, ए के मान में ये 90 डिग्री का जो एंगल है उसको प्लस करेंगे। ओके, तो वो क्या मिलेगा, सी। अभी देखो यहाँ पे एक्स वाई, इसमें तीन कोण हैं, ये नंबर 1, ये 2 और ये 3, ये तीनों एंगल एक रेखा में बन रहे हैं, मतलब रेखिक जोड़ के कोण, इनका योग होता है 180, इन तीनों का, 1, 2, 3, इन तीनों एंगल का जोड़ कितना होता है, 180। उसके अंदर ये तो 90 है, तो ए और बी ये दोनों मिला के भी कितना होना चाहिए, 90। यहाँ पे दिया हुआ है एंगल ए और बी, इनका रेशियो दिया हुआ है 2:3, 2:3, तो इसको अपन मानेंगे, माना ए बराबर 2x और बी बराबर 3x। ओके, ए बराबर 2x और बी इक्वल टू 3x, एंगल पी ओ वाई वो 90 दिया हुआ है, और अपन को सी फाइंड करना है। अभी देखो ये तीनों एंगल रेखिक जोड़ के कौन है, तो 180 होगा। एंगल एक्स ओ एम पहले बोल चुका हूँ, एक्स ओ एम, सेकेंड वाला एम ओ पी, थर्ड वाला पी ओ वाई, तीनों का योग होता है 180। एक्स ओ एम, एक्स ओ एम कौन सा, एक्स ओ एम ये कितना है, बी, बी का वैल्यू कितना माना, 3x रखा, ये वाला ए है, ए का मान कितना है, 2x प्लस 90, 180, 3x प्लस 2x 5x इक्वल टू 180, ये 90 उस तरह आएगा, तो माइनस 5x इक्वल टू 90, x इक्वल टू 90 डिवाइड बाय 5, x इक्वल टू 18। ओके, एंगल ए कितना है, 2x है, x की वैल्यू कितना पुट करेंगे, 18, 2 × 18 इक्वल टू 36। ओके, x का मान कितना, 2 रखना है, 18 रखना है, 2 × 18 कितना हुआ, 36, एक्स का मान कितना है, 2। तो एंगल एक्स ओ वाई, अभी देखो एक्स ओ वाई, देखो यहाँ पे एंगल ये वाला एक्स ओ एन, ओके, इसको अपन इतना ही लेते हैं एक्स ओ एन। ओके, एंगल एक्स ओ एन और एंगल एम ओ वाई, एम ओ वाई कौन सा, एम ओ वाई, ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल, ये दोनों कैसे, शीर्षाभिमुख कोण है, दोनों आपस में बराबर होते हैं, तो एक्स ओ एन ये कौन सा है, सी, ये सी लिखा। एम ओ वाई, इसमें दो एंगल हैं, एम ओ वाई कौन सा, ये पूरा एम ओ वाई, इसमें ए प्लस, ये कितना है, ए, और ये 90, ए प्लस 90। ओके, ए प्लस 90, ए का मान कितना मिला अपन को, 36। ओके, ए का मान 36, 36 प्लस 90 कितना हुआ, 126, तो सी का मान कितना मिलेगा, 126 डिग्री। ओके, इसमें आपको खास याद रखना है कि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है, तो आमने सामने के कोण जो होते हैं वो शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं, और वो आपस में बराबर होते हैं, मतलब ये कोण और ये पूरा कोण, इन दोनों का मान कैसा होगा, बराबर, इस कोण का मान इसके बराबर होगा, तो अपन को जो चाहिए वो लेकर अपन को चलना है। ओके, थैंक यू।